हमारे चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश और डीसीएम जी ने एक न्यू ईयर गिफ्ट के तौर में हमारे नॉन एपीएसटी लोगों को ये पीआरसी गिफ्ट देने का ऐलान किया है, तो उसमें आप लोग का स्टैंड क्या रहेगा? देखिए, हम लोग ने सितंबर को 14 सितंबर नमसे में भी हम लोग का जो ऑल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है उनका स्टैंड पूरा क्लियर था कि पीआरसी जो है हम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते ये चीज़ में लेके, और पीआरसी बिल्कुल ग्रांट होना नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी कॉन्फ्रेंस में बोला है कि इसमें बहुत लीगल चैलेंजेस आएंगे, तो फ्यूचर का जनरेशन को सोच के हम लोग ने डिसाइड किया है। सब सिविल सोसाइटी भी टर्न अप हुआ है आज का दिन में, और सभी ऑर्गेनाइजेशन का यही कहना है कि नो पीआरसी टू दी नॉन एपीएसटी हु आर रिसाइडिंग इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट। और अच्छा, जो हमारा ये पब्लिक कॉन्सेंसस मीटिंग हुआ है उसमें आप लोग का रेजुलेशन क्या पास हुआ है? देखिए, रेजुलेशन तो बहुत है, वहाँ पे एक दो पॉइंट मैं बता देना चाहता हूँ। ये हम लोग यहाँ पे लीगल टीम एक कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, वहाँ पे लीगल एडवोकेट होगा, तो उसके लिए भी हम लोग तैयारी कर रहेगा अभी, और यहाँ पे सिग्नेचर कैंपेन भी होगा अभी। आप लोग का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप तो वही है, टूथ नेल हम लोग छोड़ेगा नहीं ये इशू को। हम लोग का यहाँ पे जितना भी सिविल ऑर्गेनाइजेशन है सभी हम लोग को सपोर्ट कर रहा है, और ये हमारा राइट के लिए हम लोग बात करेगा, और राइट के लिए ही बात कर रहा है। यहाँ पे कोई पर्सनल है नहीं, कोई कम्युनिटी से कोई दुश्मनी नहीं है हमारा, यहाँ से बस हम लोग अपना राइट के लिए फाइट करेगा। जो भी लीगल चैलेंजेस आएगा फ्यूचर में हम लोग रेडी है उसके लिए फाइट करने के लिए, और मास डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी होगा। अगर ये डिसीजन को गवर्नमेंट ने हम लोग का लोकल का यहाँ का सेंटीमेंट को नहीं समझा, तो ये मास डेमोक्रेटिक मूवमेंट होगा फ्यूचर में।